नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज़। आज पिंडवाड़ा और स्वरूपगंज में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले युवा मोर्चों के जिला प्रभारी सुरेश दागिच व युवा मोर्चों के जिला अध्यक्ष गोपाल माली ने आगामी प्रदेश स्तरीय पर युवा मोर्चों के द्वारा विधानसभा का घेराव करने को लेकर कार्यक्रम पिंडवाड़ा मंडल, रोहिणा मंडल और झड़ोली मंडल में बैठक आयोजित की, जिसमें युवा मोर्चों के द्वारा विधानसभा का घेराव करने को लेकर प्रदेश के सभी जिलों से युवा कार्यकर्ता भाग लेने जयपुर जाएंगे, जिसकी तैयारी को लेकर मंडल अनुसार युवा मोर्चों की बैठक हुई, जिसमें युवा मोर्चों के जिला प्रभारी दागिच ने सभी युवाओं से आग्रह किया कि आने वाली 4 मार्च को जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें वर्तमान की राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया। इसीलिए सरकार ने युवाओं के साथ धोखा, किसानों के साथ वादा खिलाफी, महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार, राजस्थान की जनता का जीवन नरक बनाने का काम किया है। जिलाध्यक्ष माली ने सभी मंडल के युवाओं से अपील की कि आप सभी अधिक से अधिक युवाओं को जयपुर चलकर अपनी शक्ति बताने का समय आ गया। इस गहलोत सरकार के खिलाफ अब याचना का समय आ गया है, अब रण होगा, क्योंकि इस कांग्रेस सरकार ने कुछ नुमाइंदे छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो करीब 9 से 10 पेपर लीक कर दिए। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की, मगर आज तक नहीं दिया गया। मंडल अध्यक्ष महावीर यति ने सभी युवा मोर्चों के कार्यकर्ताओं को निवेदन किया है, सिरोही जिले से अधिक संख्या से युवाओं को जयपुर भेजेगा और इस कार्यक्रम सफल बनाने अहम भूमिका निभाएंगे। बैठक के बाद हमारे वेब के मुख्य संपादक ने जिला अध्यक्ष और जिला मीडिया प्रभारी से इसकी अधिक जानकारी ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है सिरोही जिले के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपाल जी माली। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि युवा मोर्चा जो है सिरोही जिले में अपना दायित्व किस प्रकार से निभा रही है। स्वागत है गोपाल जी आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आज का जो कार्यक्रम था वो किस प्रकार था और उस कार्यक्रम के पीछे आपका मोटिव क्या था। नमस्कार साथियों, आज पिंडवाड़ा युवा मोर्चा की बैठक है। बैठक 4 मार्च को पूरे राजस्थान से युवा मोर्चा और बीजेपी विधानसभा का घेराव करने वाली है, उस विषय को लेकर थी। आज भाजपा युवा मोर्चा उन युवाओं की आवाज बनेगा जिसने राजस्थान की सरकार ने 4 साल में जो युवाओं के साथ छल और धोखा किया है, उन्होंने पेपर लीक की जो परंपरा बनाई है, उस परंपरा का गुनहगार को सजा दिलाने के लिए युवा मोर्चा विधानसभा का घेराव करेगा, उसको लेकर ये बैठक थी। और आज जो युवा को कहा गया कि हम आपको 3,350 रुपए देंगे, उसको लेकर सरकार ने इंटर्नशिप चालू कर दी। इंटर्नशिप का मतलब काम करवाने के दाम देंगे, इसका मतलब वो बेरोजगारी होता नहीं, वो सब ये इतने सारे महिलाओं के साथ हो, दलितों के साथ हो, किसानों के साथ, सब वर्ग के साथ सरकार ने, सरकार ने जो गहलोत सरकार ने काम किए, उसको लेकर लोगों की आवाज बढ़ने को लेकर युवा मोर्चा ने यह बैठक की और बैठक में यह तय किया कि हम जयपुर गूंज करेंगे और 4 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। एक और सवाल सर आपसे कि आप सिरोही जिले के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं, आने वाले प्रदेश के चुनाव में युवा मोर्चा किस प्रकार से अपना जो है कार्यभार संभालेंगे। हम हमारे बूथ को मजबूत करेंगे। हमारे जिले में जितने भी बूथ हैं उन एक बूथ पर 10 यूथ के मार्गदर्शन से हम प्रत्येक बूथ पर 10 युवा तैयार करेंगे जो हमारे आने वाले चुनाव में इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। नजदीकी राज्य गुजरात में देखा गया कि बहुत बड़े दिग्गजों और सीनियरों की टिकट काटी गई है भारतीय जनता पार्टी में, क्या राजस्थान में भी इस प्रकार का कोई देखा जाएगा कि सीनियरों की टिकट काट के युवाओं को टिकट दी जाएगी। पार्टी में सबको हक है उम्मीदवारी का और संगठन जो तय करता है वो हमारा अंतिम निर्णय होता है, ये हमारे संगठन का विषय है और संगठन पे छोड़ते हैं। आप भी युवा है, क्या आपको सिरोही जिले से, सिरोही विधानसभा क्षेत्र से आपको विधायक के लिए टिकट दी जाती है तो क्या आप उम्मीदवारी करेंगे? वो संगठन का विषय है और मैं वो संगठन पे छोड़ता हूँ। धन्यवाद। कांग्रेस जगह जगह बोलती जा रही है कि राजस्थान में जो है अगली बार वापिस कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? कांग्रेस को खुद को ये पता है, उनके कांग्रेस के मंत्री ने ये कह दिया कि यदि गहलोत जी के नाम से चुनाव लड़ते हैं तो हम एक गाड़ी में बैठने जितने लोग नहीं आ जाएंगे विधानसभा में। ये कांग्रेस के खुद आप देख रहे हो, एक तरफ तो अशोक गहलोत चल रहे हैं, एक तरफ सचिन पायलट चल रहे हैं, उनकी खुद की पार्टी में ये स्थिति है, वो क्या वापस सत्ता में आएंगे? आप देख रहे हो, आज जब कोविड का समय था तो लोगों को जरूरत थी सरकार की, उस समय सरकार ने बिजली के बिल के दाम के माध्यम से लोगों को जो गले काटने का काम किया वो लोग भूले नहीं। आज
युवाओं के साथ जो छल कर रही है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार में राजस्थान नंबर वन, बेरोजगारी में राजस्थान नंबर वन, किसी भी कंडीशन में राजस्थान में वापस भाजपा आ रही है और इस बार 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 के लिए भाजपा आ रही है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा किस प्रकार से जो है राजस्थान में काम कर रही है, सिरोही जिले में काम कर रही है और आगामी जो है कार्यक्रम किस प्रकार से रहेंगे? देखिए, हमारा युवा मोर्चा राजस्थान भर में काम कर रहा है। अभी गोपाल जी ने बताया कोविड काल में भी आपको कहीं भी नजर आ रहा था तो सिर्फ और सिर्फ युवा मोर्चा नजर आ रहा था। सिरोही जिले में भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा मजबूत है और कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। आगामी 2023 में जो चुनाव हो रहा है उसमें युवा मोर्चा एक हरावल दस्ते के रूप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित।